कि कंप्यूटर को असेंबल करके अपन आगे कैसे सेल करेंगे, क्योंकि परचेज तो अपन कर रहे हैं रैम फ्लो रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, और सेल अपने को क्या करना है कंप्यूटर, तो उसकी एंट्री अपने को कैसे पास करनी है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, सबसे पहले लेजर बनाई थी चार, कौन कौन सी, रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, आई आई सी करके अपने को लेजर बनानी है। आई आई सी की फुल फॉर्म इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम और क्रिएट, वहां जाके अपन ने चार लेजर बनाई, कौन कौन सी, रैम, सबसे पहले रैम, नेम में क्या लिखा अपन ने, रैम अंडर प्राइमरी यूनिट्स पीसेस और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल करके अपने ने टैक्स रेट डाल दी कितनी 18% और उस लेजर को सेव कर दिया। सेकंड रोम, रोम नेम में रोम लिखा, यूनिट्स में पीसेस, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में क्या डाला 18% और उसको भी सेव कर दिया। ऐसे ही अपन ने हार्ड डिस्क और फ्लोपी ये चारों लेजर बना ली। उसके बाद आता है कंप्यूटर का नंबर, कंप्यूटर अपने को सेल करना है, परचेज अपन ने क्या किया, रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, सेल क्या करेंगे अपन कंप्यूटर, कंप्यूटर की लेजर बनाएंगे, उसमें अपने को F12 करना है, F12 करने के बाद दो ऑप्शन को यस करना है, कौन कौन से, एक तो एक डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम और एक था BOM बिल्स ऑफ मटेरियल, इन दोनों ऑप्शन को अपन ने क्या कर लिया यस, जैसे इनको यस करेंगे विंडो में चेंज होगा, दो ऑप्शन शो करेंगे, एक तो डिस्क्रिप्शन जैसे नेम और एलियास, ये डालने के बाद एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस डिस्क्रिप्शन में अपने को डालना है कि अपन ने उस कंप्यूटर को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें लगाई है, रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, उन चारों चीज़ों को अपन ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो सिर्फ एक अपने पर्पज़ के लिए कि अपने को पता लग जाए कि इस कंप्यूटर को बनाने में अपन ने क्या क्या चीज़ें डाली, सर दर्द हो रहा है मालूम क्या, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में अपन ने डाल दिया रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, उसके बाद नीचे BOM ऑप्शन को यस किया, BOM ऑप्शन तभी शो होगा जब आप यूनिट्स में क्या सिलेक्ट करोगे, पीसेस या अदर कोई भी अगर क्वांटिटी है तो वो सिलेक्ट करो, कैसे आपको उस प्रोडक्ट को मेजर करना है, वो चीज़ जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो BOM शो नहीं करेगा, उसके बाद आपको BOM को यस करना है और वहाँ पे अपने को डालना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है, वो सब चल गया ग्रुप में आ जाऊँगा, ग्रुप में आके भी क्या करोगे, पुराना मैसेज थोड़ी आ गया, अब नया जो करोगे अभी तो आ गया, नया भी कर रहे तो BOM को आपको यस करना है, उसके बाद नाम लिखना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये बोला सर पीछे से बोलने किन कह रहे हैं सर, कुछ देख रहे हैं उधर कंप्यूटर में क्या है, श्रवण भाई जब सर कंप्यूटर में देखने कहेंगे ना तो सर की तरफ देखेंगे, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर में BOM को यस करना है, वहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखना है कि आपको क्या बनाना है, कंप्यूटर लिखा उसके बाद जैसे इंटर करोगे वहाँ पे एक यूनिट को बनाने में कौन कौन से प्रोडक्ट और कितने पीस लगते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ डालनी है, उसके बाद उस कंप्यूटर के लेजर में सेल डेटा जीएसटी डेटा करके टैक्स रेट डालनी है और उसको सेव करना है, ठीक है, हो गया चारों लेजर बन गई। उसके बाद अपन ने क्या बनाया था, एक वाउचर बनाया था किसका, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ABC अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप और क्रिएट, वहां जाके अपन ने नेम में लिखा क्या, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, नीचे एक ऑप्शन होगा वहां पे अपने को सिलेक्ट करना है स्टॉक जर्नल और एक ऑप्शन को यस करना है, कौन से ऑप्शन को, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, उस ऑप्शन को अपने को यस करके उसको सेव कर देना, ठीक है। उसके बाद अपन ने परचेज किया क्या, रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, इन चारों चीजों को अपन ने परचेज किए थे, कितने पीस, 10 पीस, 10 पीस अपन ने परचेज कर दिए क्योंकि अपने को 10 कंप्यूटर असेंबल करने या 10 कंप्यूटर बनाने हैं, तो 10 पीस अपन ने रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क 10-10 पीस चारों परचेज कर लिए। उसके बाद अपन ने मैन्युफैक्चर किया था कंप्यूटर को, कैसे मैन्युफैक्चर किया था, इन्वेंट्री वाउचर को ओपन करना है, उसके बाद ओल्टे के साथ F7 वहाँ पे दो ऑप्शन शो करेंगे, कौन कौन से, एक तो स्टॉक जर्नल और एक मैन्युफैक्चर जर्नल, तो अपने को ओपन किसको करना है, मैन्युफैक्चर जर्नल को, मैन्युफैक्चर जर्नल को ओपन करने के बाद वहाँ प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना है अपने को कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, जैसे ही आप कंप्यूटर सिलेक्ट करोगे उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो सारी कैलकुलेशन कर लेगा कि कौन से पीस कितने पीसेस लगे, रैम कितनी लगी, रोम कितनी लगी, फ्लोपी कितनी लगी, हार्ड डिस्क कितनी लगी और अदर कोई अगर प्रोडक्ट भी है तो वो भी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप सेव कर लो, ये हो गया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। उसके बाद आप स्टॉक समरी को अगर ओपन करोगे वहाँ पे कंप्यूटर के आपको 10 पीस दिख जाएंगे, रैम रोम फ्लोपी और हार्ड डिस्क, वो सारे उन कंप्यूटर में लग जाएंगे, ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का, तो मिक्सड अप सप्लाई यही होती है, मिक्सड अप सप्लाई या मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 27 कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है कि बहुत सी बार बिल में ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लगा हुआ आता है तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस में भी टैक्स इंक्लूड कर देते, वैसे तो खर्चों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, खर्चों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है ना ही इनकम के ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें वो क्या करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर परचेज किया
तो कंप्यूटर का अगर आप बिल बनाओगे ना, लैपटॉप परचेज किया तो लैपटॉप में लैपटॉप बैग आएगा और उसमें अगर आप एंटीवायरस डलवा रहे हो तो वो उसमें इंक्लूड करेंगे। चाहे उसकी टैक्स रेट अगर कम भी होगी ना तो भी उसके ऊपर कितनी टैक्स रेट लगाएगा, 18%। जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले लैपटॉप खरीद के लेके आया था तो मैंने उनको कहा कि मेरे अलग अलग बिल बना के दो, क्योंकि अलग अलग बिल बना के अगर वो देगा, जैसे NPAV का मैंने एंटीवायरस लिया था उसका अगर मैं अलग बिल बनवाता हूँ, लैपटॉप बैग का अलग बिल बनवाता हूँ, लैपटॉप का अलग बिल बनवाता हूँ, तो वो सस्ता पड़ेगा। कैसे? क्योंकि टैक्स उस पर कंप्यूटर पर तो लगता है 18% और लैपटॉप बैग के ऊपर लगता है 12%। तो वो उन्होंने क्या किया कि पूरे बिल के ऊपर 18% लगा दिया टोटल वैल्यू पे। तो उससे क्या है कि सस्ता पड़ता है। अगर आप अलग अलग उनको बोलोगे अलग अलग परचेज का सेल का बिल बनाओ, वो बनाएंगे नहीं, क्योंकि उनके उसमें फ़ायदा है, उनको टैक्स वो 18% लगाएंगे। वो होती है कंपोजिट सप्लाई, यानी कि जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट क्या है इसमें, लैपटॉप है, तो लैपटॉप की रेट क्या है 18%। तो पूरे जो टोटल वैल्यू है बिल की उसके ऊपर कितना टैक्स लगाएंगे वो 18%। जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आया आपके बिल में, आपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई माल मंगवाया, उसने पेमेंट किया ट्रांसपोर्ट का, तो वो उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लगा के देगा बिल में, और उस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के ऊपर भी क्या करेगा, टैक्स लगा देगा 18%। या जो भी मेन प्रोडक्ट है, आपने कुछ भी अगर परचेस किया जैसे टेक्सटाइल वगैरह, उस पर अगर 5% का अगर टैक्स लग रहा है, तो वो अगर 5% टैक्स लगा के आपको दे रहा है, तो उसमें क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के ऊपर भी 5% लगा देगा। वैसे खर्चों के ऊपर GST नहीं लगता है, लेकिन वो उस पर भी 5% लगा के देगा। वो क्या होता है, कंपोजिट सप्लाई। इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस उसके साथ आएगा ही आएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो जो मेन प्रोडक्ट होगा उसी की टैक्स रेट अपने को उस खर्चे के ऊपर, या फिर अदर प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी वही टैक्स रेट अपने को लगानी है। ये होती है कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। उसके बाद यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट होती है सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न कोई होती है तो आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता है, और अगर परचेज रिटर्न होती है तो आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F11 में जाके इनवॉइसिंग के लास्ट 3 पॉइंट, कौन कौन से 3 पॉइंट, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट को यस करना है, फिर यूज डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड और यूज क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इन तीनों ऑप्शन को अपने को क्या करना है, यस। जैसे ही आप इनको यस करोगे, अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करोगे, वहां पे दो शॉर्टकट की ओर आ जाएगी, कौन कौन सी, कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9। कंट्रोल F8 किसकी है, सेल्स रिटर्न, और कंट्रोल F9 परचेज रिटर्न, यानी कि कंट्रोल F8 एक क्रेडिट नोट और कंट्रोल F9 है किसकी, डेबिट नोट, ठीक है। तो आपको वैसे ही एंट्री करनी है जैसे सेल और परचेज के ऊपर एंट्री होती है, ठीक है। उसमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपको चाहिएंगे कि आपने जो माल बेचा था उसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था और उसकी डेट क्या थी। उसके बाद आप एंट्री वैसे ही कर सकते हो, उसने क्या रिटर्न किया और उसके ऊपर कौन कौन सा टैक्स आपने सेल के टाइम पे लगाया, ठीक है। ये हो गया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यूज़ के लिए आपको क्या करना है, F11 F2 वहां जाके आपको यस करना है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इन दोनों ऑप्शन को जैसे ही आप यस करोगे, गेटवे और टेली पे ट्रांजेक्शन जो सेकेंड, एक तो फर्स्ट तो मास्टर्स है, सेकेंड ट्रांजेक्शन, वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग का, उस ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाके आप एंट्री कर सकते हो ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ऑल्टे के साथ F4 परचेज ऑर्डर और ऑल्टे के साथ F5 सेल्स ऑर्डर, इन दोनों की आप एंट्री वहाँ जाके कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही एंट्री करनी है जैसे अपन सेल और परचेज की एंट्री करनी है, उसमें टैक्स भी लग जाएगा, और जो भी अगर CGST लगाना है CGST, SGST लगाना है SGST, IGST लगाना है IGST, और अगर सेल्स भी एक टाइप का टैक्स ही है जो टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर 60% सेल्स लग के आता है, तो अगर सेल्स भी है तो आपको सेल्स की लेज़र बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, CGST, SGST की जैसे लेज़र बनाते हो, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करते हो, तो नेम में सेल्स के सेल्स, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, और टैक्स टाइप में लेना है सेल्स, ठीक है। सेल्स की भी आपको लेज़र वैसे ही बनानी है। उसके बाद सेल्स ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की अगर एंट्री कर लेते हो, तो आप जब परचेज और सेल की एंट्री करोगे तब वहाँ क्या सिलेक्ट करोगे, जो ऑर्डर नंबर आता है उस ऑर्डर नंबर में आपको ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है। जैसे आप पार्टी अकाउंट नेम सिलेक्ट करोगे, इंटर करोगे, एक विंडो आती है, उस विंडो में एक ऑर्डर नंबर का ऑप्शन होगा, वहाँ पे कौन सा ऑर्डर था उसके रेफरेंस में आप बिल बना रहे हो, वो ऑर्डर नंबर आप जैसे सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, उसके बाद आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। वहाँ पे आपको न तो आइटम सिलेक्ट करना है, न ही टैक्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गई सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसके बाद GSTR 1 ऑल ट्रांजेक्शन एंड दियर लिमिट्स एंड कंडीशन। GSTR 1 के अंदर कौन कौन से बिल आते हैं और उसकी लिमिट और कंडीशन क्या है। फर्स्ट, B2B इनवॉइसेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी एक अपन किस में रजिस्टर होंगे, रेगुलर के अंदर, और सामने वाली पार्टी चाहे रेगुलर में रजिस्टर हो चाहे कंपोजिशन में रजिस्टर हो, अपन तो किसके अंदर रजिस्टर होंगे, जो कंपनी है,
वो तो रेगुलर के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, और सामने वाली पार्टी चाहे रेगुलर के अंदर रजिस्टर हो चाहे कंपोजिशन के अंदर रजिस्टर, किसमें आएगा बिल? बी टू बी में। इसके लिए आपको क्या करना है, जब पार्टी के लेजर बनाते हो तब वहाँ पे आपको रेगुलर या कंपोजिशन सिलेक्ट करना है और उसके जीएसटीएन नंबर डालने हैं। अगर आपके पास पार्टी की जीएसटीएन नंबर नहीं है तो आप उसको अनरजिस्टर ही लोगे। जब तक जीएसटीएन नंबर नहीं होंगे आपको उसको अनरजिस्टर लेना है, क्योंकि मिसमैच शो करेगा। अगर आपने रेगुलर लिया और उसके बाद भी अगर जीएसटीएन नंबर नहीं डाले तो वहाँ पर मिसमैच शो करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास जीएसटीएन नंबर नहीं है पार्टी के तो आप उसको अनरजिस्टर ले लो या फिर कंज्यूमर ले लो, ठीक है। उसके बाद बी टू बी इनवॉइसेस हो गया, उसमें कोई लिमिट नहीं है, 2.5 लाख से ऊपर हो, 2.5 लाख से नीचे हो, इंटरेस्टेड सप्लाई हो या इंटरेस्टेड सप्लाई हो, कोई सी भी हो, बस रजिस्टर होनी चाहिए दोनों पार्टी। कंपनी रजिस्टर होगी रेगुलर में और सामने वाली जो पार्टी हो वो किस में रजिस्टर होगी, चाहे कंपोजिशन में चाहे रेगुलर में, किसी में भी रजिस्टर हो, ठीक है। सेकेंड आता है बी टू सी लार्ज। बी टू सी लार्ज का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, और लार्ज लार्ज में आता है एक तो इंटरेस्टेड सप्लाई होनी चाहिए और एक 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इंटरेस्टेड सप्लाई 2.5 लाख से ऊपर और अनरजिस्टर्ड डीलर को यानी कि कंज्यूमर को सप्लाई होनी चाहिए। फिर से सुनना, बी टू सी लार्ज, एक तो 2.5 लाख से ऊपर का बिल होना चाहिए, एक इंटर स्टेट सप्लाई यानी कि सेकेंड स्टेट स्टेट में, आपके स्टेट में नहीं किसी अदर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और एक सामने वाली पार्टी अनरजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बिल किस में आएगा, बी टू सी लार्ज। बी टू सी स्मॉल के लिए लिमिट क्या है, 2.5 लाख से नीचे और अगर इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सप्लाई कर रहे हो तो बी टू सी स्मॉल में आएगा। और टोटल इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड डीलर यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर को आपने जितनी भी सप्लाई करी है वो किस में आएगी, बी टू सी स्मॉल में, चाहे 2.5 लाख से नीचे हो चाहे 2.5 लाख से ऊपर हो। उसके बाद आता है